लिट्टी चोखा जब चालू किया था ना तो कभी एक प्लेट बिकता था, कभी दो प्लेट, कभी बिकता भी नहीं था। आज मेरे इतने डिमांड है कि मैं दुकान आधा घंटा पहले 10 लोग खड़े होकर बोलते भी है आप लेट क्यों हो गए। मेरा तो नाम है प्रेम गुप्ता और मेरे नाम से दुकान चलती है, प्रेम प्रयागवासी के नाम से। अच्छा भैया, क्या बनाने वाले आज आप? लिट्टी चोखा का बैगन का भरता बनाने जा रहा हूँ। बैगन का भरता? जी, लिट्टी चोखा का। और जो की क्या क्या चीजें डालोगे अभी? मैं इसमें सबसे पहले ये बैगन एकदम साफ सुथरा है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बैगन लेके आता हूँ, जो की हमारा ये तेल में फ्राई होगा। तेल में फ्राई किया जाता है? हाँ। तो देख सकते हैं एकदम बैगन बढ़िया से बैगन ऑलमेट डाल दिए गए हैं। दो तीन प्रकार का बैगन बनता है हमारे यहाँ। बैगन उबाल के भी बनाते हैं, भुंजा हुआ भी बनाते हैं और तल के भी बनाते हैं। जैसा डिमांड रहता है जैसा डिमांड वैसा। तो ये क्या लगा बीच में? ये रिंग है सर, क्या है कि इसमें ये इधर से वापस मत आए इसको निकालने के बाद। और क्या क्या डाला जाता है इसमें? अभी टमाटर पड़ेगा, हरी मिर्च। ये सर देखिए, ये लिट्टी का आलू का चोखा बना हुआ है, जो कि इसमें हरी मिर्ची, हरी धनिया, लहसुन, प्याज और सरसों का तेल मिक्स है। और इसी के बीच में टमाटर डाल देता हूँ, बढ़िया जोरदार। खास बात ये है कि सबसे चीज मैं हमेशा ताज़ा माल खिलाता हूँ सर, ताज़ा माल खिलाता हूँ। और जो लोग मेरे को बनाना नहीं आता था, लोग मेरे को सिखा दिए, ग्राहक लोग मेरे खुद कि मेरे को कैसा खाना है, चटपटा खाना है, मिर्ची खाना है, मैं लोगों को समझ गया हूँ कि कैसे कैसे खाना है, उसी हिसाब से उनके डिमांड पे वैसे रेडी करता हूँ माल। क्वालिटी तो सर आप एकदम मजबूत है, मैं अपने घर में बिना घी की रोटी खा सकता हूँ, पर दुकान का सामान में कमी नहीं करता, जो कि मेरे यहाँ 3-4 को डेली घी लग जाता है। तो भैया ये रेडी हो चुके बैंगन? ये बैंगन हमारा भुजा गया है, अच्छा तल चुका है, गरम मसाला थोड़ा सा मंगवाना था अंदर। ये देखिए भाई, तो बैंगन को अलग से बर्तन में निकाल लिया, बर्तन में निकाल जा रहा है ये। और ये टमाटर भी हमारे अच्छे से, हरी मिर्च और टमाटर भी हो गया है, इसमें अपन डालते हैं। देखिए तो थोड़ी सी खटास देने के लिए डाल दी इसमें हरी मिर्च। हाँ, तो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया यहाँ पे चोखा बनाते हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा पड़ेगा इसमें चाट मसाला, काला नमक और ये एक हमारा घर का मसाला बना हुआ है, धनिया जीरा पाउडर, हरी मिर्च, हरी धनिया, बताना थोड़ा। अब ये डाला जा रहा है इसमें सरसों का तेल। तो वही सरसों का तेल क्यों डालते हैं इसमें? सरसों का तेल तो बेस स्वाद के लिए, मज़ेदार स्वाद आता है, बढ़िया बहुत ज़ोरदार। और ये हमारा गरम मसाला, अब इसको मैश करेंगे अच्छे। तो अभी चोखा को देख सकते हो अच्छे से मसालों के साथ चोखा किया जा रहा है, मिक्स हो रहा है और ये रेडी हो गया है। तो जो भी चीज़ डालते हैं अंदाजे से डालते हो? एकदम अंदाजे से, कोई चीज कम नहीं पड़ी पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, यही कंटिन्यू मेरा काम रायपुर में करीब 15 साल से हो गया है। बैगन का चोखा हो गया रेडी, नेक्स्ट क्या बनेगा? ये मेरा सत्तू बना है, ठीक है। सत्तू में लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, मिर्ची, अजवाइन का ऑयल और सरसों तेल। ये आटा लग गया हमारा, आटे का लोई, लिट्टी की बेकिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ, आटे को लोई बना लेंगे अपने हिसाब से, अपने साइज से, और ये सत्तू भरा आएगा उसमें बढ़िया। अभी प्राइस कितना रहता है यहाँ पे प्लेट का? लिट्टी चोखा एक प्लेट 70 रुपये की है, 2 पीस रहते हैं जिसमें। अच्छा। तो देसी घी से बना होगा। ये टमाटर चटनी, ये आगे टमाटर चटनी, ये हरी चटनी, किस चीज़ की रहती है? हरी चटनी, मिर्ची, मिर्ची की, हरी मिर्च, बैगन भरता। तो लिट्टी आ चुकी है हमारी और उसको घी में डुबो दिया गया है। तो फाइनली रायपुर का फेमस लिट्टी चोखा यहाँ पे लग चुका है। तो ये देख सकते हो, ये इन्होंने मेरी प्लेट लगाई है जिसमें कि 2 लिट्टी रहती है। तो इसके अंदर आप स्टफिंग देख सकते हो सत्तू की, एकदम बढ़िया मसालेदार, और आपको घी भी दिख रहा होगा अंदर तक, इसमें घी डला हुआ है। साथ में देख सकते हो बैंगन का भरता है, आलू का चोखा है और साथ में है सूखा आलू, ये है इनकी टमाटर की चटनी और ये है इनकी मिर्च की चटनी। तो चलिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी सी लिट्टी लेंगे और थोड़ा सा बैंगन का भरता और इसको ट्राई करेंगे इनकी टमाटर की चटनी के साथ। तो वाकई में रायपुर का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा ये, बहुत ही ज़्यादा चटपटा, एकदम मसालेदार, और जो इसकी टमाटर वाली चटनी है इसको बहुत अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? टाइमिंग रहती है सर मेरे 3 बजे से 3:30 बजे तक, करीबन लेकर 11:30-11:15। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं आप? पूरे कंटिन्यू 365 दिन, नो छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं रहती। गवर्नमेंट भी अगर ना बंद कराए तो मैं दुकान कभी नहीं बंद करता हूँ। और एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस अपना है रायपुर तेली बांधा मरीन ड्राइव, क्रीम स्टोन आइसक्रीम दुकान के बाहर में। तो अगर आप भी रायपुर रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा लिट्टी चोखा खाना चाहते हो, यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में।